ओके सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एंड जय कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस जर्नी. थैंक यू. व्हाट डू यू हैव टू से सिंस इट्स अ लास्ट डे. राजा सर ने बोला कि लास्ट डे मत बोलिएगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. या बट मतलब मैंने लाइफ में मतलब आई हैव प्लेड मेनी मतलब काफ़ी किरदार निभाए हैं बट समवेयर आई डोंट नो अभिनव के साथ कब अटैचमेंट हो गया पर्सनली एंड एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड टू कम ऑन सेट कि मैं आई यूज़ टू गेट वेरी एक्साइटेड कि मतलब परफॉर्म करूँगा मज़ा आएगा एंड यस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि इसमें मैं परफॉर्म कर पाया. सो या अभी धीरे धीरे हिट मतलब तीन चार दिन से थोड़ा हिट कर रहे हैं आज कुछ ज़्यादा ही हिट कर रहे हैं और मतलब वो भी ये सब सारे सीन्स है ना वेयर आई एम इन द हॉस्पिटल एंड इट्स अ लास्ट थिंग. तो वो बाकी ऑडियंस को तो ये लोग दिखाएंगे एडिट में बट मेरे मन में भी फ्लैश चल रहे थे सब मेरे कसौली वाले सीन्स अभीर के साथ सीन्स एंड एक फैमिली सीन्स तो वो सब मेरे खुद के भी फ्लैश बैक चल रहे थे. तो एक दो बार तो मुझे बोला भी कि तू सच में रो पड़ा था क्या. तो या बट दैट वॉज अ लिटल दिस थिंग बट यस. सो कहीं ना कहीं तो जो शुरू हुआ है उसको ख़त्म तो होना ही है. सो बट आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड द वे इट टर्नड आउट टू बी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन. प्रणाली थैंक यू सो मच. एज अ को एक्टर शी गेव मी दैट पुश ऑलवेज एंड एक वो होता है ना कि हाँ कभी भी इसको लाइंस के लिए या सीन के लिए या अगला पिछला क्या है उसके लिए नहीं किसी ने बताया उल्टा ये शी यूज़ टू बी वेरी श्योर. सो या दैट हेल्प मी ऑल्सो इन अ वे अलॉट कि सामने वाला भी इतना सीरियस नहीं कर रहा है तो लेट्स मेक अ गुड सीन. सो या अभिनव ऑलवेज विल बी विथ मी. कहीं ना कहीं एक छोटा पार्ट अभिनव का है. सो या दैट ऑलवेज रिमेन विथ मी. आप क्या कहना चाहेंगे कितना मिस करने वाली हैं अभिनव? अक्षरा के लिए जब से अभिनव का कैरेक्टर आया तब से अक्षरा एक स्टेप मैच्योरिटी का उसका एक स्टेप बहुत ज़्यादा स्टेप मैच्योरिटी का लेवल हाई हो गया था. सो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने ऐसा सीरियस ऐसे मदरली रोल कभी नहीं किया है. सो चैलेंजिंग तो था लेकिन आई थिंक इट्स टीम वर्क एंड जैसे जय ने बताया इट्स एक्चुअली अ गिव एंड टेक थिंग. अगर सामने से नहीं मिलेगा ना तो इधर से भी नहीं निकल पाता है. सो वो टीम वर्क था सामने से भी मिला इसलिए इट वाज लाइक अ नाइस टीम वर्क एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग ने एकदम ही डेड सीरियस काम किया है. फुल मस्ती में काम किया है इसने मैंने और अभीर ने. वी हैड ब्लास्ट कसौली सीन्स में एंड नाउ अभिनव इज गोइंग सैट. साथी प्रणाली प्लीज रिकॉल दैट मोमेंट व्हेन यू मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन रियल में ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन. फर्स्ट आई थिंक हमारा बस वाला ही सीक्वेंस था. हमारा कोई मॉक शूट नहीं हुआ था साथ में. हमारा फर्स्ट डे वो सीन ही था जब हम पहली बार मिलते हैं बस में एंड लाइक अ स्ट्रेंजर. सो पता नहीं मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. मेरा तो डेड सीन था पूरा वो. आई जस्ट हैड टू बी जोन्ड आउट जो मैं बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ. बट हाँ मुझे जानना था कि अभिनव कौन है कैसा है क्या है बट आई थिंक मज़ा ही आ गया. या बट आई थिंक फर्स्ट डे बहुत गया था मतलब अच्छे से. हाँ एंड आप क्या कहना चाहेंगे लाइक क्या इंप्रेशन था? मैं तो वैसे ही आई वॉज लाइक जो स्कूल चालू होता है और बीच में से आपकी यू नो आप एंट्री लेते हो क्लास ऑलरेडी चालू हो गई है और बीच में आते हो तो एक सेमेस्टर के बाद हम मिड टर्म में आप एंट्री करते हो तो आप ऐसे ही होते हो. हेलो तो मेरे लिए थोड़ा वैसा ही था एंड मेरे स्टार्टिंग में सारे सीन्स प्रणाली के साथ ही थे एंड सो इनिशियली इट वॉज लाइक ओके यू डोंट गेट दैट मच टाइम टू टॉक और मे बी यू नो हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन. खाली सीन में ही थे कि कैसे करना है क्या करना है. इट वॉज अ बिग थिंग. तो बट या एक बच्ची ही दिखी मुझे तो स्टार्ट में. मुझे याद है हमारे जो एक है डायरेक्शन टीम में गुड्डू जी उनसे पेरू छीन छीन के खा रही थी तो मैंने कहा ओके. सो या यू रिमेम्बर राइट. अरे क्योंकि गुड्डू जी से तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब लेती थी. पेरू देते थे चॉकलेट्स उनके पॉकेट में. उनका पॉकेट ना डोरेमोन के पॉकेट की तरह है तो वो चॉकलेट्स निकाल निकाल के देते थे. तो उस दिन पेरू था उस दिन पेरू. हाँ वो मैंने कहा अच्छा पेरू खा रही है एकदम. अच्छा गुड्डू जी जरा ये वाली चॉकलेट जाना. मैंने कहा ओके शी इज अ किड. सो या ओके. लास्टली आप दोनों की तरफ से फैंस को कुछ मैसेज है जिन्होंने इतना प्यार आपके किरदार को दिया और आपके किरदार को दे रहे हैं तो व्हाट डू यू आई थिंक रियली रियली थैंक यू सो मच
for giving Abhinav that much love, and so I'm really, without that this wouldn't have been possible. Thank you everyone, and please, I'm getting so many messages, matlab, you know, people are heartbroken. It's just a show, it's just a character, but yeah, so it had to end, but I love you all so much. Thank you, thank you, thank you. मैं क्या बोलूँ, थैंक्स थैंक्स फॉर लविंग, थैंक यू.